हरे कृष्णा। कृष्ण, आवाज आ रही है ना सबको? आ रही माता जी। ठीक है, ठीक है, हम भजन से स्टार्ट करते हैं। कृष्ण यादवाय नम, हरिहराय नम, कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय, केशवाय नम। कटो ना, ये मेरी आवाज नहीं आ रही है सुजल। एक सेकेंड आएगी, आएगी, एक मिनट। ये मास्टर नहीं अब आवाज आ रही है? चल ठीक है, कीर्तन स्टार्ट करते हैं। श्री श्री राधा माधव की जय, प्रभुपाद की जय। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। तिरु सनातन भक्त रघुनाथ, तिरु सनातन भक्त रघुनाथ, तुजीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ। ऐछे गोसाई करि चरण वंदन, ऐछे गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश विश्व पुराण, जहाँ होते विघ्न नाश विश्व पुराण। ऐछे गोसाई जर मुई तारे दास, ऐछे गोसाई दास, ताकबर पद रेणु मोर पंचदास, ताकबर पद रेणु मोर पंचदास। चांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, चांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म हो जन्म जन्म हो छै गोसाई जबे प्रजे कोई लवास,
जय गोसाई जबे ब्रज कोयला वास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन गुरु वैष्णव पद मजाइया मन गुरु वैष्णव पद मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पद्म पद्म करी आस श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करी आस नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद हरि हरे कृष्णा। अभी हमने भजन गाया नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा हरि हराय नमः, तो हम इसको फटाफट से अर्थ पढ़ते हैं। आज मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें भगवद गीता का नाम आता है। ठीक है। हे भगवान हरि, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। आप यादव हरि माधव तथा केशव नामों से जाने जाते हैं। हे गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य और नित्यानंद की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य तथा उनकी भार्या श्रीमती सीता ठकुरानी की जय हो। भगवान श्री हरि गुरु वैष्णव जन श्रीमद भागवत तथा श्रीमद भगवत गीता की जय हो। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की जय हो। मैं इन छह गोस्वामियों के चरणों का वंदन करता हूँ। उनका वंदन करने से भक्ति के विघ्नों का नाश होता है तथा अभीष्ट इच्छा पूर्ण होती है। मैं इन छह गोस्वामियों के सेवक का सेवक हूँ। उनके उन सबके चरणों की धूल मेरा पंच ग्रास है। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं इन छह गोस्वामियों के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों के संग जन्म जन्मांतर वास करूँ। इन छह गोस्वामियों ने जब ब्रज में वास किया था तो इन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीला का प्रकाश किया था। अपने मन को श्री गुरु और वैष्णवों को के दिव्य चरणों के ध्यान में लगाकर आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण करो तथा वृंदावन का भजन करो। श्री गुरु और वैष्णवों के पद्मों की आशा करता हुआ नरोत्तम दास हरि नाम संकीर्तन करता है। हरे कृष्ण। ठीक है जी, आज हम लेते हैं भगवत गीता का 51, 52 और 53 श्लोक। ये श्लोक होने के बाद हमारा सेकेंड चैप्टर का जो चौथा भाग है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर को 5 भागों में डिवाइड किया था ना, तो हम उसका आज चौथा भाग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था और हम आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो 49 श्लोक में हमने पढ़ा था भगवान क्या बता रहे थे, बुद्धि योग के बारे में बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि हम कैसे बुद्धि योग करेंगे, जब हम अपने सकाम कर्म जो करते हैं उसके फल की इच्छा को अगर हम त्याग देंगे तो हम अगर हम उसकी इच्छा करेंगे तो हम क्या है, कृपण है, और अगर हम अच्छा त्याग देंगे तो हम बुद्धि योग को प्राप्त करेंगे। फिर भगवान बताते हैं कि भक्ति में अगर मनुष्य लग जाता है अगर तो उसको अच्छे और बुरे कार्य का कोई फल भी नहीं लगता और उससे वो मुक्त हो जाता है। उससे चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम आगे के जो आज श्लोक लेंगे 51, 52 और 53। ठीक है। अब इस वाले में भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि योग, मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ कि बुद्धि योग करो। बुद्धि योग क्या है, पहली बात तो भक्ति योग है ना।
तो भगवान बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें बोलता रहा हूँ भक्ति योग करो, बुद्धि अपनी बुद्धि को उसमें यूज लगाओ। अब करना कैसे है और उसका बेनिफिट क्या है, पहले तो भगवान ने बताया करना कैसे है ना, कि अपनी सकाम इच्छा, ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसकी इच्छा को त्याग दो, तो और इसका रिएक्शन क्या होगा, हम अच्छे बुरे कर्म से रिएक्ट हो। अब भगवान बोलते हैं इसका फायदा क्या होगा, अब हम इसमें इसमें पढ़ेंगे कि इसका फायदा क्या होगा। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वामि नीशिना जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम्यम पदम गच्छन्ते नाम्ययम् अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अब हम आगे का पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योग में लग जाता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि सबसे बार तो ये मनीषी वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीषी वर्ड का इसमें मतलब है कि वो व्यक्ति जो वह विचारवान है, जो समझदार है, जो सोचता है, और उसी का ऑपोजिट क्या था पिछले श्लोक में, जो अपनी बुद्धि को यूज नहीं लेता। तो यहाँ पे मनीषी वर्ड वो है जो अपने ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत विचारवान है और सोचता है कि मैं सिचुएशन में क्यों हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, और इस चीज पे विचार करता है, तो जो बुद्धि से युक्त है उसको हम कहेंगे मनीषी। अब इसमें भगवान कह रहे हैं जिसने उन भगवान ये एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, हम ये पहले हम ये पढ़ लेते हैं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया है, समाश्रिता ये पत्पत्वलम पलम महत पदम पुण्यश शोमुरारे भवाम बुधो बुद्धि तस पदम पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तोषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए ये भव सागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट हो। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वो थोड़े समय के लिए नहीं, वो बल्कि हमेशा के लिए। ये जो एक्चुअली जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ये बहुत दुखदायी है। भगवान कहते हैं अगर आपने जन्म लिया है तो अपने आप वो जो तीनों की चीज बाकी की जो चीजें आप उसे अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। अगर आप जन्म लोगे तो आपके पास व्याधि भी आएगी और बुढ़ापा भी, बीमारियां भी आएगी और मृत्यु भी आएगी, और उसके साथ साथ आपको अधिभौतिक अधि दैविक अधि आत्मिक कष्टों को भी भोगना पड़ेगा। पर भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योग, अगर तुम मनीषी हो, तुम अगर विचारवान हो, तुम्हें सोचना है कि मुझे तुम सोच लो कि मैं इसमें क्यों पड़ा हुआ, तो मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, मैं तुम्हें गुरु के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे अर्जुन तो यहाँ पे क्या था, अर्जुन को स्वयं भगवान ने समझाया, तो हमें भी भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हें इच्छा होती है तो मैं तुम्हें भी गुरु के थ्रू ये सब समझाता हूँ कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो। अब इसमें भगवान बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से वैकुंठ क्या है, वैकुंठ मतलब जहाँ पे, कुंठ मतलब दुख वगैरह ना, तो जहाँ पे कोई दुख नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या वैकुंठ में ना जन्म मृत्यु जरा वादी कुछ भी नहीं है वहां पे। तो भगवान बोलते हैं अगर तुमने मेरी भक्ति करी तो मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जाता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भव सागर तुम्हें गोखुर के समान, भव सागर जैसे जो ओशन है कितना बड़ा दिखेगा हमें, उसका किसी को हमें उसका एंड ही नहीं पता पड़ता। पर भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करने से तुम्हें जो भव सागर है, गोखुर मतलब जो गाय होती है उसका पैर होता है ना, तो उसके पैर के बीच में जो यूं करके डिजाइन होता है ना वो, तो उसके बीच में जो गोबर फंस जाता है, याद है अपने गायों के पैरों को देखो। तो भगवान बोलते हैं कि तुम अगर मेरी भक्ति करते हो, तुमने गुरु की शरण ग्रहण कर लिया है, तो तुम्हारे को वो जो दुख है, ये जितने भव सागर में हम जिस 7 क्लेशों के थ्रू गुजर रहे हैं, ये तुम्हें क्या लगेंगे,
गोखुर में मतलब गाय के पैर में जो जितना गैप होता है ना उसमें वो जो पानी आ जाता है, अब जैसे गाय कीचड़ में खड़ी है तो वो जो उसके पैरों के निशान बनते हैं वो छोटा सा जो बनता है ना गैप, तो वो गोखुर होता है। तो वो तुम्हें इतना सा ही लगेगा, तो उसको तो हर कोई पार कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं इतना ईजी हो जाता है। क्यों, कैसे ईजी हो जाता है? जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत के आश्रय मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए भव सागर क्या हो जाता है, एकदम गोखुर के समान हो जाता है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें इस पद पद से संकट से मुक्त करता हूँ। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, इसी रिलेटेड में प्रभुपाद के लेक्चर में था एक बार, प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई मोटर कार 60 मील की गति से जा रही है और कोई साइकिल वाला, साइकिल तो धीरे चलेगी, अब कोई साइकिल वाला उस मोटर कार वाले का समझ लो उसने हाथ पकड़ लिया या अपने को उससे कनेक्ट कर लिया, तो वो भी उसी स्पीड से चलेगा ना। जैसे एक मोटरसाइकिल होती है तो उसके साथ में वो जो जहाँ बैठा रहता है इंसान ऐसे कुछ कनेक्टेड होता है ना, तो अगर उसने उसको कनेक्ट कर लिया तो वो भी उसी स्पीड से चलेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक चींटी है, उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जानी है तो उसको मतलब इधर से उधर पार करना है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, और यही उसने किसी इंसान के कंधे पे वो चढ़ गई या उसके सामान पे किसी पे चढ़ गई तो वो इजिली क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे ही हमारे लिए ये सब जो भव सागर और ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर है पार करना बहुत मुश्किल है, पर हमने किसी जो इसको समझ चुका है गुरु और जो आचार्य, अगर हमने उनकी शरण ग्रहण कर ली तो हम भी इजिली पार हो जाएंगे। समझ आए इन एग्जाम्पल से? ठीक है। और एक्चुअली अब टोटली इसका क्या सार है, जो पूरा हम देखा जाए तो बुद्धि योग, मतलब हम बुद्धि लगानी है ये करना है वो करना है, तो सार देखा जाए तो क्या है कि भगवान की शरण ग्रहण करो और यही पूरी चीजों का सिनॉप्सिस, जो कहते हैं ना पूरा देखा जाए तो एक समरी क्या है, भगवान के चरणों की, भगवान की शरण ग्रहण करो तो हम सब चीजों से पार हो जाएंगे। मनीषी का मैंने जैसे आपको बताया था कि जो कि बहुत विचारवान है, सोचता है कि ऐसा क्यों है, और उसी का ऑपोजिट जो हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा था, कृपण। कृपण क्या होता है, जो कि कंजूस होता है, उसके पास सब कुछ है पर फिर भी वो खर्च नहीं करता, दिमाग है बुद्धि भगवान ने सबको बराबर दिया है पर जो खर्च नहीं करता उसको यूज नहीं करना चाहता, वो कृपण है। और मनीषी इसी का ऑपोजिट है कि वो अपना दिमाग लगाता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं क्यों ये सब भोग रहा हूँ, वो सब सोचता है। तो जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है तो वो कर्म से बनता है, तथा जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्यागना चाहता है तो, अब इसका देखो बहुत अच्छा है कि जितना आप कर्मों के फलों को भोगना चाहोगे कि मैं ये भी ले लूं वो ले लूं, तो वो आप और उन कर्मों में बंध जाओगे, और जैसे आपने इच्छा त्याग दी तो आप क्या उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, ये इतना अच्छा इजी सिंपल फॉर्मूला है। अब इसमें आगे, जिस समय जीव एक बार जन्म से बंध जाता है तो फिर उसे अन्य तीन बंधनों से स्वतः ही बंधना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपने जन्म लिया है तो अपने आप बाकी के चक्रों में अपने आप ही पढ़ते जाओगे, तो इस चक्र से पढ़ने के लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी। अब इसका ये जो भागवत हम पढ़ते हैं तो कपिल देव मुनि बताते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जन्म से आप कनेक्ट होगे तो अपने आप बाकी से कनेक्ट हो जाओगे, तो उसमें तीसरे कैंटो में 31 चैप्टर में कपिल देव जी देहूती, अपनी माता देहूती को बताते हैं कि जन्म एक्चुअली बहुत कष्टदायक है, और उसमें टू जेड चीजें बताई, जैसे आज हम देखते हैं सोनोग्राफी है सब कुछ है, बट पहले ही भागवतम में सब कुछ डिस्क्राइब है कि किस टाइम पे बच्चे का क्या बन रहा है, किस टाइम किस कितने दिन में उसका आंखें आती है। ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, है कि प्रथम रात्रि में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं, पांचवी रात्रि में मिश्रण बुलबुले का रूप लेता है, दसवीं रात्रि को बढ़कर बेर जैसा होता है, बाद में मांस का टुकड़ा होता है, फिर अंडे आते हैं, एक माह में उसका सिर बनता है, दूसरे मास में उसके हाथ पैर बनते हैं, तीसरे मास में नाखून अंगुलियां हड्डियां ये सब बनती है, चौथे मास में 7 प्रकार की धातुएं, पांचवें मास में भूख प्यास उसे प्रकट हो जाती है और उसी भूख और फिर है ना वो अपनी पोजीशन बदलता है बच्चा, और क्या क्या सिचुएशन होती है, जो भी खाता है करता है मल मूत्र सब के अंदर वो रहता है, ये सब उसमें बताया गया है।
तो भौतिकवादी लोग भले ही प्रगट भी कर ले किंतु वे संसार के चार प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। कितना ही हम कर लो, कहां पे चले जाए, पर फिर भी अभी तक किसी का पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि जन्म से कैसे बचा जाए, मृत्यु से कैसे बचा जाए। ये सब तरह के कष्ट तो हमें मिलने ही मिलने। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान जो ये कह रहे हैं कि कृष्ण भावनावृत की विधि के द्वारा व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, तो ये कितना बड़ा लाभ है। तो ये जो इतना कष्ट है, ये तो सिंपल है, इसका ये बहुत इतना जो कष्ट है, ये जो इतने मुश्किल से, तो इसको हम सिंपल है। भगवान ने बोला कि आपने मेरी शरण ग्रहण करी तो तुम इन सब चीजों से छूट जाओगे। अब सब बोलते ना भाई कैसे छूटे उनसे, तो भगवान ने सिंपल बोला है कि मेरी शरण ग्रहण करो और आप इन सब जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। फिर ठीक है, तो इस वाले में एक्चुअली बेसिकली यही है कि भगवान बोलते हैं एंड में ये जो वाला लाइन है आप लाइन मार्क कर सकते हो कि भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो हो सकता है ना, भगवत भक्ति किसे कहते हैं, भगवत भक्ति वो होती है जिसमें आप भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। अब हम आते हैं 52 श्लोक। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यर्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य से श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इसका मतलब है अनासक्त हो जाओगे, ठीक है, इस वर्ड का मतलब है अनासक्त हो जाओगे, आसक्त नहीं रहोगे। सॉरी। अब इसमें भगवान ने पहले क्या बताया, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि विरक्ति को हम कैसे प्राप्त करेंगे, कि तो मतलब कैसे होगी, जब तुम्हारी बुद्धि मोह, एक्चुअली जो मोह होता है, जो अट्रा है, हमें हर चीज से मोह है, हमारे शरीर से हमें मोह है, हमारे घर से हमें मोह है, सब चीजों से क्या है, मोह के कारण ही। अगर वही हमें उससे, हम हर चीजों से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे, और क्यों क्यों लगा के बैठे, क्योंकि हम उनसे अटैच है, और जब वो हमारा फुलफिल नहीं होता या उनके थ्रू हमें दुख मिलता है तो हम सबसे पहले दुखी हो जाते। तो अब ये सब कहते हैं कि भाई ऋषि मुनि ये लोग, इनको क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये लोग डिटैच है, ये सब चीजों से अनासक्त है, और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले हर चीज से अटैच है, चाहे वो हमारा कुछ भी हो, हम हर चीज से अटैच है। तो मोह रूपी सघन मतलब ये जो सघन वन, अब वन तो आपको पता है सबको जंगल होता है, अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि संसार रूपी जंगल में मोह एक ऐसा स्थान है जो सबसे अधिक घना जंगल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके रूप में दिया गया है कि ये संसार रूपी जो जंगल है इसमें मोह मतलब अटैचमेंट सबसे खतरनाक है और ये सबसे अधिक घना है, ठीक है। और हम सब में क्या है, एक्चुअली हम सब मोह के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इन संसार रूपी जंगल में हम सभी जीवात्मा विभिन्न स्थानों में कष्ट पा रहे हैं, और वो क्या कष्ट है, और उसी के कारण हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो छह प्रकार के हमें जो ताप है, ये हमें और ज्यादा परेशान करते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक और जो डेंस्ड है, कहते हैं ना कि एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा डेंस्ड होती है, वो क्या है, मोह है, और बाकी ये छह चीजों में से मोह सबसे ज्यादा डेंस है। इससे मैं आपको एक स्टोरी याद आ रही है मुझे, भगवद गीता में, पहले तो भगवान ने पूरा का पूरा भगवद गीता का ज्ञान दिया, ठीक है, कि भाई अर्जुन का मोह दूर हो जाए। अर्जुन बाद में एक्सेप्ट भी करते हैं, वो बाद में बोलते हैं भगवान को श्लोक में कि भाई मेरा मोह दूर हो गया, और फिर वो लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कहते हैं महाभारत में कहीं पे आता है, शायद हमें शांता नरसिंह जी ने स्टोरी लिखवाई थी कि अर्जुन जब युद्ध हो गया तो उसके बाद भी वो थोड़े से परेशान थे, और ना उनको मोह था कि मेरे कारण ये सब हुआ है, सारे मेरे घर सब चले गए बंधु। अब भगवान वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो भगवान को बोलते हैं कि आप मेरे साथ कहीं चलो। तो भगवान जब रथ लेके जाते हैं तो गंगा जी के यहाँ पे जाते हैं रथ को लेके, और अर्जुन को बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ जाके। पहले भगवान मतलब अर्जुन बोलते हैं कि भाई मैं बहुत
डिस्टर्ब हूं और ऐसे ऐसे, तो भगवान बोलते हैं अब मैं आगे से क्या समझाऊं, पूरा गीता का ज्ञान दे दिया फिर भी ये डिस्टर्ब है। तो एक्चुअली स्टोरीज तो हमारे लिए ही है, अर्जुन तो खैर बहुत बड़े ज्ञाता थे, बट स्टिल ये हमारे लिए सब सीखने के लिए है। तो अर्जुन की सब सिचुएशन होती है कि वो मोह में पड़ जाता है, तो भगवान बोलते हैं अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ जाके, मैं एक थोड़ा वॉक लेके आता हूँ, आप यहाँ बैठो। अब जब अर्जुन वहां बैठा होता है तो वहां पे दो इंसान आते हैं एक डेड बॉडी को लेके, उसे जलाने के लिए। अब जब वो डेड बॉडी को जलाने वाले होते हैं तो वो देखते हैं कि हमने सब कुछ काम कर देते हैं, और जैसे ही वो अग्नि देने वाले होते हैं तो उनके पास माचिस नहीं होती। अब एक दूसरे को देखता है, दूसरे को देखता है कि भाई माचिस लेके आओ, तो वो तो डर जाती है कि भाई डेड बॉडी के पास कौन रहेगा, तो बोलते चलो दोनों ही चलते हैं, माचिस लेके आते हैं जलाने के लिए। ठीक है, वो चले जाते हैं वहां से डेड बॉडी को छोड़ के। इतनी देर में वहां पे दो सियार आ जाते हैं। अब सियार आ जाते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा मोटा तगड़ा होता है और एक थोड़ा सा पतला सा होता है। तो जो मोटा वाला होता है वो पतले वाले को बोलता है चल तू ही खा ले डेड बॉडी को। तो बोलता है जो पतला वाला सियार होता है वो बोलता है कि मैं तो इसे नहीं खाऊंगा सॉरी, क्योंकि इसने तो कहीं से भी कोई पुण्य कर्म करे ही नहीं है। मतलब ये कौन बोल रहा है, सियार बोल रहा है कि इसने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं करे, मैं इसकी कौन से बॉडी पार्ट को खाऊं, कोई भी इसका, इसने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं करे तो मैं इसके बॉडी पार्ट को खाऊंगा तो मैं और इफेक्ट हो जाऊंगा। तो वो मोटा वाला भी बोलता है अच्छा तू भी नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब वो थोड़ा सा उधर उधर घूमते हैं तो वहां पे अर्जुन बैठा हुआ होता है। तो वो बोलता है कि हाँ चलो इसको खा लेते हैं। तो सियार वो जो पतला वाला बोलता है कि मैं तो इसको भी नहीं खाऊंगा, ये तो जिंदा है सब कुछ, इसने तो, अब हम देखा जाए तो हम सोचेंगे भाई अर्जुन तो बहुत पुण्यवान है सब कुछ है, वो उसके लिए भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अब इसमें एक्चुअली थोड़ी सी हंसी मजाक है, वो बोलते हैं कि इसके पास, इसको भगवान ने इतना गीता का ज्ञान दिया सब कुछ पढ़ाया और फिर भी क्या बैठा है, गंगा जी के पास बैठा है। एक्चुअली वो गंगा जी के पास आते हैं कि भाई मेरे को तो अब डूबना है, करना है, मरना है, मेरे को तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब परेशान हो जाता है कि भाई मेरे कारण ये सब हुआ है। तो वो एक्चुअली दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अर्जुन के पास भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, उसके पास भगवान है, फिर भी वो कहाँ पे आया, गंगा जी के पास है, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। समझ आया इसमें कुछ, कि उसके पास कौन है, स्वयं भगवान है, फिर भी वो कहाँ पे आया है, गंगा जी के पास आया, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होएगा। तो इससे इससे खाए इसे चाहते डेड बॉडी को खाने। तो ये वो बोलते, तो एक्चुअली हमें इसमें व्यंग की बात यह है कि हमें समझने लायक यह है कि हमारे पास भगवान की, स्वयं भगवान की वाणी है, सब कुछ है, फिर भी हम इधर उधर हमें नहीं भटकना चाहिए। और एक्चुअली हमें स्टोरी सिखाने के लिए, बताने के लिए, इसमें चांदन सिंह प्रभु जी ने बताया था कि ये जो दोनों सियार थे एक्चुअली योग माया थे, योग माया थी, वो हमें सबक मतलब बताने के हिसाब से बताया था उन्होंने। और जो डेड जो डेड बॉडी शायद यमराज थी, ऐसा कुछ था, एग्जाम्पल वे में बताया था कि वो हमें एक्चुअली ये सबक सिखाने के वे में बताने आए थे कि भगवान होने के बावजूद भी अगर हम गंगा में स्नान करना जाएं तो उससे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा। तो इतना ज्यादा हमारे पास ये गीता का महत्व है। ठीक है सॉरी, अब इसमें आते हैं, अब भगवान इसमें बताते हैं कि मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। हाँ, हम ये जो पढ़ रहे थे अभी श्री क्षेत्र परिक्रमा कर रहे थे, ये करी थी क्या अटेंड किसी ने? तो हाँ, तो उसमें एक दिन था ना कि गदाधर पंडित थे, उनको एक्चुअली भगवान की वो पूजा कर रहे थे, तो उधर ही वहां चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे अभी गायत्री का मैं कुछ मंत्र भूल रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताएंगे क्या। तो चैतन्य महाप्रभु मना कर देते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं, आपके गुरु है ना, आप खुद, आपके गुरु जो पंडित, आप उन्हीं से पूछो, मेरे से मत पूछो। बोला आप तो गुरुओं के भी गुरु, आप तो स्वयं भगवान हो, तो आप ही बता दो। तो भगवान यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हूँ पर गुरु की पदवी मैं नहीं ले सकता, गुरु गुरु ही होता है, आपको गुरु से ही पूछना है और किसी से नहीं पूछना। तो यहाँ पे भगवान ही बताना चाहते हैं कि भाई गुरु ही आपको ये भव सागर से पार कर सकता है, गुरु इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हमें मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने भी ये करा है साबित, सॉरी। फिर अब गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश।
तो श्री कृष्ण में ये यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण एक्चुअली कृष्ण वंदे जगत गुरु होते हैं, कृष्ण ही एक्चुअली सबके गुरु है, जगत गुरु है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण की शरण ले। तो यहाँ पे गुरु अर्जुन ने क्या करा, गुरु सॉरी भगवान ने क्या करा है, यहाँ पे गुरु की पदवी ले रखी है ना। और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अर्जुन का मोह रूपी अंधकार है उससे अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर रहे हैं। ठीक है, गु का मतलब जो समझ है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। तो कि प्रत्येक जीव के हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं और वो जब देखते हैं, ये तो हम सब मानते हैं, अभी तक हमने जो पहले के जो सेक्शन था उसमें यही पढ़ा कि भाई भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना। अब भगवान जब देखते हैं कि हमारी इच्छा है तीव्र है, हम जानना चाहते हैं हम कि हम क्यों है, ये सब हम जो क्वेश्चनिंग करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भगवान उस जीव के किसी ना किसी वे में गुरु को भेजते हैं और उसको इस स्थिति से निकालते हैं। तो पर भगवान क्या बोलते हैं, मैं गुरु को भेजता हूँ, है ना। तो गुरु की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम प्रभुपाद का देखते हैं, आज उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी कृपा करी इस एज में भी जाके उन्होंने जो वहाँ पे भौतिकवादी लोग थे सारे के सारे, जो मलेच थे, ये सब क्या क्या कंडीशन थी उनकी हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने तार किया। तो जो गुरु है वो ही हमें इस मोह रूपी अंधकार से पार कर सकता है। फिर हम आते हैं, हाँ हम ही थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे माधवेंद्रपुरी का, जो इसमें बताया उन्होंने कि भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी जी को सब जानते हैं, कोई नहीं जानता तो मैं बताती हूँ। अब आप देखोगे भगवत गीता ये सबसे पहले हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, ये रुको सबके पास है ना भगवत गीता। तो जो हमारी गुरु परंपरा आप देखोगे, या एक्चुअली हमें सबको अच्छे से पता होना चाहिए, देखो श्री कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद व्यासदेव, व्यासदेव जी के बाद मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, और ऐसे ऐसे करके हम जब आगे ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति। तो ईश्वरपुरी पहले, ईश्वरपुरी कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, माधवेंद्रपुरी हमारे जो श्रीनाथ जी हैं वो उन्हीं की माधवेंद्रपुरी कहते हैं, गोवर्धन में अपना उधर सभी रहते थे, वो तपस्या करते थे वहां पे, भगवान का नाम लेते थे। तो वहां पे उनको एक बार एक छोटा सा बालक आया कि बाबा यहाँ वहां पे एक टिले पे जो मेरे को मतलब बहुत वहां पे ना आवाज आती है, वहां पे ना कुछ आप एक बार चल के देखो वहां पे। तो माधवेंद्रपुरी सबकी विलेजर्स की हेल्प लेके वहां पे देख के आते हैं कि पहाड़ के नीचे कौन, झाड़ियों के अंदर एक बहुत बड़ी विग्रह है, और वो कौन थे, स्वयं श्रीनाथ जी थे। तो उन्होंने सब विलेजर्स की मदद से उन वहां पे से वो विग्रह को निकाला। तो आज भी वहां पे मंदिर है गोपाल जी के नाम से, और तो वो वहां से श्रीनाथ जी प्रकट हुए। तो वो किसने प्रकट करवाए थे, माधवेंद्रपुरी वहां से लेके आए थे, और उनको इशारा स्वयं भगवान ने गोपाल के रूप में आके किया था। तो ये माधवेंद्रपुरी है, और माधवेंद्रपुरी के जब एंड टाइम था तो उनकी जब तबीयत बहुत खराब रहती थी, कुछ कर नहीं पाते थे, तो ईश्वरपुरी जो उनके डिसाइपल थे उन्होंने उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, सब कुछ करा अपने गुरु के लिए, बहुत सब टाइप की उनकी सेवा करी थी। तो उसके बदले पता है क्या हुआ, अब आप देखो माधवेंद्रपुरी ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया कि स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो ये गुरु की कृपा होती, जब गुरु के वर्ड्स निकल जाते हैं, वो इतने खुश हुए अपने डिसाइपल से कि उन्होंने बोला कि स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य बने, मतलब उनको एज अ गुरु एक्सेप्ट किया था। तो ये माधवेंद्रपुरी है, और माधवेंद्रपुरी के कारण ही हमारा जो आज हम बोलते हैं श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी की जय, उन्हीं की कृपा से हमें, माधवेंद्रपुरी की कृपा से ही हमें श्रीनाथ जी के दर्शन होते। तो ठीक है, तो वही माधवेंद्रपुरी कहते हैं, हे मेरी दीर्घकाल प्रार्थना तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ, अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। अब ये हमारे लिए बहुत सीखने लायक चीज है, ये किस कौन बोल रहे हैं, माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं।
अब वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या ये सबके लिए करना इम्पोर्टेंट है, पर जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, टोटली जो सरेंडर्ड है, उनके लिए ये सब चीजें नहीं है। पर आप कोई बोल सकता है भाई हमारे लिए चलो ये जरूरी नहीं है, ये करना नहीं हमें, वो नहीं, पर क्या हम कर चुके हैं, क्या हम भगवान को सरेंडर कर चुके हैं 100%? नहीं, हमने भगवान को टोटली सरेंडर नहीं किया है, तो ये सब चीजें हमें अभी भी करनी है। ठीक है, तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन, बट ये सब हमें कृष्ण भावनामृत को समर्पित होके कृष्ण को योग बना के ये सब हमें करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ये नहीं जो समझता कि वेदों का उद्देश्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, वेदों का उद्देश्य है कृष्ण तक पहुंचना और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। तो जो कृष्ण भावना भावित है वो उन सबको इन सब अनुष्ठानों में लगने की जरूरत नहीं होती, जो टोटली सरेंडर्ड है भगवान को। ठीक है, अब हम 53 श्लोक लेते हैं जो कि हमारा फोर्थ पार्ट का लास्ट श्लोक है। श्रुति विप्रति पन्नाते यदास्तास्यति निश्चला समाधा वच्छला बुद्धिस्तता योग योगम अवापस्यसि। जो तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा, मतलब वेदों में ये रहता है ना कि भाई हम देखेंगे कि जो व्यास देव जी ने लिखा था पहले, तो उन्होंने यही सब बताया था कि भाई ये वाले वेद है, इसलिए आप कर्म करोगे तो आप इस वाले स्वर्ग को जाओगे। मैं आपको भी शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। स्वर्ग की प्राप्ति का बहुत महत्व दिया है, कहते हैं कि उधर क्या है, सुंदर अप्सराएं रह नृत्य करती है, गर्मी जाड़े का कोई कष्ट नहीं रहता, वहाँ मत्र, अब जो हम जो मूल मत्र ये सब जो रहता है, कीचड़ धूल जैसी गंदगी कोई वस्तु ही नहीं रहती, वहाँ पे सुगंधित और शीतल ही हवा रहती है, वहाँ पे बुढ़ापा नहीं आता ये, और वहाँ पे थकावट भी नहीं होती, पसीना नहीं आता, दुर्गंध नहीं होती, और शरीर में जो फूल की मालाएं होती है जो हम धारण करते हैं वो भी वहाँ पे मुरझाते नहीं है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एक विमान होता है जो इच्छा के अनुसार आकाश में चलता रहता है, और वहाँ पे जो वृक्ष वगैरह होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हमें चीजें प्रदान करते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, हमें अट्रैक्ट कर सकती है। अच्छा स्वर्ग ऐसा है तो हमें वहां जाना है, और उससे भी जो उपचे लोग हैं वहाँ पे ये है वो है, इतने इतने टाइम आप जिंदा आपकी इतने आपके टाइम की आयु रहती है, तो ये सबसे क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो समझदार है, जिसने अपनी बुद्धि को यूज किया है, जो समाधि में स्थिर है, वो इन सब अलंकारमय जो चीजें होती है, वेदों की जो वाणी होती है, उससे वो अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि इन सब का क्या है, थोड़े टाइम बाद पुण्य क्षीण हो जाएगा। ठीक है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मतलब उसका जब वो पुण्य का काल पूरा हो जाएगा कि, तो तब उसे वापस स्वर्ग से नीचे आना पड़ेगा उसे, और तो इसलिए वो इन सब चीजों में अट्रैक्ट नहीं होता, इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद वो पढ़ता है तो उसे वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो इस श्लोक में हम क्या पढ़ेंगे कि भगवान बोलते हैं कि जब अर्जुन की बुद्धि कृष्ण भावनात की समाधि में अचल हो जाएगी तो उन्हें श्री कृष्ण का योग अर्थात मिलन प्राप्त होगा। और पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि भाई मोह के अंधकार से मुक्त हो जाओ और वेदों के कर्म कांड से विरक्ति का अनुभव करो, है ना, मोदो विरक्त, मतलब विरक्त हो जाओ तुम सब। और इस स्थिति में व्यक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, अब इसमें मतलब हम कैसे विरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमें समाधि आएगी, ये हम एक्चुअली 54 श्लोक के बाद से और अच्छे से पढ़ेंगे, पर इसमें भगवान हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। सॉरी, अब पहले मैं इसको थोड़ा पढ़ती हूँ फिर आपको आगे समझाती हूँ। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वे आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वे पूर्णता कृष्ण भावना भावित है। ठीक है, हम कल ही जैसे महाराज जी की क्लास सुन रहे थे, तो महाराज जी के एक्चुअली कल सोलह महाराज जी की संन्यास एनिवर्सरी थी कल, तो वो बता रहे थे कि
संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आपने त्रिदंड लिया है या आपने सब कुछ छोड़ दिया है। संन्यास एक गृहस्थ भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है कि आप उन चीजों में रह के भी उन चीजों से अटैच्ड नहीं हो, है ना। जिस भी आप चीजों में रह रहे हो, जहां पे भी हो, अब आप समझो आपने घर बार छोड़ दिया पर आपका दिमाग उधर ही चल रहा है, तो तब आप सन्यासी नहीं हो। पर आप घर में रह के भी आप सब कुछ कर रहे हो और फिर भी उन चीजों से अटैच्ड नहीं हो, इतने ज्यादा उनसे आसक्त नहीं हो, तो दैट इज ऑल्सो सन्यासी लेवल। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समाधि का मतलब है कृष्ण भावना भावित, अर्थात उसे पूर्ण समाधि है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वसिद्धि यह जान लाना है, जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना मत में अपने सारे कर्म करना है। इसका मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ। पहली बात तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमें जो कर्म कांड वगैरह हो रहे हैं इससे हमें अटैच नहीं होना है। अब वैदिक कर्म भगवान से अटैच नहीं होना, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। नर नारायण सबने सुना है ना, है ना। हम जाते हैं बद्रीनाथ तो वहां पे कौन है, नर नारायण, है ना। तो नर नारायण क्या कहते थे, करते थे भगवान नारायण के रूम में क्या आते हैं, तपस्या के लिए में आते हैं। तो नर नारायण हमेशा तपस्या करते रहते थे। अब इंद्र जो है वो हमेशा किसी की तपस्या से विचलित हो जाते हैं कि भाई ये तपस्या कर रहा है इसका मतलब ये कि मेरे स्वर्ग लोक को छीनना चाहता है कुछ, तो वो हमेशा विचलित हो जाते हैं और किसी ना किसी लोक प्रलोभन को करते हैं। अब जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे तो कामदेव की हेल्प लेके अर्जुन ने, सॉरी इंद्र ने अपनी जो क्या कहते हैं अप्सराएं और ये सब होता है उनको भेजा कि उनकी हम जो नर नारायण की तपस्या को हम भंग कर सके, डिस्टर्ब कर सके। तो अब आप देखो वहां पे जब नर नारायण स्वयं भगवान थे उनकी वो तपस्या डिस्टर्ब कर रहा, तो भगवान ने क्या करा, तपस्या में लीन होने के बावजूद भगवान ने अपने एक ब्लिंक से अपने अप्सराएं प्रकट करी और कामदेव को ये दिखाया कि भाई तुम मुझे इन अप्सराओं से लोभित करने आए हो, ये तो मैं, ये सारा जो सृष्टि है तो उनको दिखाना चाहती है कि सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न है और तुम मुझे इन सब से लोभित कर रहे हो। फिर वो बहुत क्षमा याचना करता है, तो भगवान क्या करते हैं, नारायण जी उन अप्सराओं में से, ठीक है माफ करने के लिए, भगवान तो कृपामय है तो माफ करने के लिए उनमें से बोलते हैं अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, तो तुम मेरी जो अप्सरा है इनमें से तुम एक जन एक अप्सरा को ले जा सकते हो। तो वो कौन होती है, उर्वशी होती है। तो हम सुनते ना, आप सुना होगा जब भी कोई अप्सरा का नाम होता तो सबसे पहले उर्वशी का नाम आता है। तो उर्वशी क्या है, स्वयं नारायण की जो मतलब जो उन्होंने अप्सराएं पैदा की थी उनमें से एक है, तो उर्वशी। तो यहाँ पे भगवान एक्चुअली अर्जुन को बता तो रहे कि भाई तुम इसमें मोह में अट्रैक्ट हो, वो मत अट्रैक्ट, किसको बता रहे, अर्जुन को बता रहे। अब अर्जुन क्या था, मैं आपको इसलिए तर ली गई दूर क्योंकि मैं आपको उर्वशी के बारे में बताना चाह रही थी कि अर्जुन वो जब वो अज्ञातवास बिता रहे थे और वो एक जब स्वर्ग गए थे वो, तो उन मतलब अर्जुन गृहस्थ होते हुए समाधि में इसलिए थे क्योंकि उर्वशी जैसी अप्सरा जो उनको प्रपोज करती है उनको भी वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को बताया कि वो समाधि में स्थित हैं, तो अर्जुन क्या समाधि में स्थित थे। तो ये जो एक्चुअली जो श्लोक है ये जो सब बताया गया भगवान एक्चुअली हमें समझाना चाहते हैं, अर्जुन तो इस लेवल के थे कि उर्वशी ने उन्हें स्वयं आगे होके प्रपोज किया फिर भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो उर्वशी ने गुस्से में उनको बोला कि तुम स्त्री बन जाओ, जब उन्होंने इंद्र वहां पे आए थे और सब कुछ, अभी बहुत बड़ा मैटर है, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक साल के लिए बन जाओ और ये तुम्हारे आगे प्रॉफिट के लिए रहता है। इंद्र बोलते हैं ये कुछ नहीं, तुम्हारे आगे अज्ञातवास में आगे काम आएगा। बाद में वो अज्ञातवास में उनके काम आता है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अर्जुन जो थे जो उर्वशी जैसी जो स्त्री थी उनसे भी मोह में नहीं पड़े थे। तो यहाँ पे समाधि का ये मतलब है कि वह पूर्णता कृष्ण भावना मित में जो स्थित होता है वो पूर्ण समाधि में, वेदर वो ग्रस्त हो या कुछ भी हो, अगर वो कृष्ण भावना भावित है तो वो समाधि में स्थिर है। ठीक है, अब यहाँ पे है, हाँ एक और चीज इसका एग्जाम्पल है कि अर्जुन और दुर्योधन, ये तो सबको पता है कि कृष्ण भगवान से सहायता लेने जाते हैं युद्ध से पहले, तो
अर्जुन क्या है, स्थित प्रज्ञ, मतलब उसका दिमाग बुद्धि है उसकी, मतलब एक तरफ भगवान बोलते ना, अभी तो सबको हमें सब स्टोरी पता है कि भाई मेरी इतनी करोड़ों की क्या थी ना, 10 करोड़ गोपों की मेरी सेना है, वो चाहिए और एक मैं हूँ जो कि हथियार नहीं उठाऊंगा। पर अर्जुन यहाँ पे क्या है, बुद्धि वाले हैं, उन्होंने क्या बोला, मेरे को तो भगवान चाहिए क्योंकि भगवान से ही सब प्रकट होता है। तो ये हम यहाँ पे मतलब बताना चाह रहे हैं भगवान की तुम्हें इन सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना है। क्या होना है तुम्हें, मेरे मेरे लिए तुम्हें आसक्ति बढ़ानी है और मेरी ही शरण ग्रहण करनी है। हम देखेंगे ना भाई, अब जब हम पूरा भगवद गीता पढ़ लेंगे तो एंड में भी भगवान क्या कहेंगे, मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब क्या करो, मेरी शरण लो। और तो टोटली जो एक्चुअली सार देखा जाएगा तो यही है कि भाई हम भगवान की शरण ले। और आपको कह सकते ना, बुद्धि योग कैसे प्राप्त करते हैं, मोह कैसे करें, मोह में हम कैसे नहीं लगे। तो अर्जुन तो ऐसे थे जो ये सब चीजों से पार थे, पर फिर भी एक्चुअली वो हमारी ही प्योरिटी के लिए भगवान ये सब हमें दे रहे हैं ज्ञान। तो भगवद गीता की ये इम्पोर्टेंस है। अब इसमें भगवान इस वाले श्लोक में 6 प्रकार के योग बता रहे इस श्लोक में, जो कि हमने नोट्स में लिखे थे कि ये जान लेना। पहली बात तो कि जब हम ये जान लेंगे कि हम भगवान के दास है, ये हमें, ये एक्चुअली ये भी एक योग की स्थिति है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है कि अगर हम ये जान ले कि हम कृष्ण के दास है, इसका एग्जाम्पल हम हाथ से ले सकते हैं कि एक हाथ, आप खाना खाओगे तो आप कहाँ डालोगे खाना, यहाँ डाल रहे हो, यहाँ डालते हो, सीधा यहाँ डालते हो ना मुंह के अंदर, यहाँ वहां कहीं हमारा हाथ नहीं जाता। तो अगर ये हाथ सोचेगा कि नहीं भाई मैं खाना तो मैं खा रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों डालू, मैं तो इसी को दू, इधर डाल देता हूँ, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर उसने यहाँ पे खाना डाला तो अपने आप पूरे शरीर को पोषण मिल जाएगा, अपने आप इस हाथ को भी शक्ति मिल जाएगी। तो भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर भगवान तुष्ट हैं, भगवान संतुष्ट हैं, आपने भगवान को संतुष्ट कर दिया तो अपने आप ही सब कुछ सब जगह सारे देवता, मतलब सब कुछ जो हमारी ड्यूटीज है वो अपने आप सब जगह सब कुछ तुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम भगवान के दास हैं, ये भी एक योग की स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि हम ये सोचें कि भाई हमारा एकमात्र काम है कि हम सिर्फ कृष्ण भावना में काम करें, मतलब हम जो भी करें, ऐसा नहीं कि हमें ड्यूटीज छोड़नी है, सब कुछ करना है, जो भी करना है वो हमें भगवान के लिए करना है। फिर है हमें ये सोचना है मनुष्य को कि भाई हम कृष्ण के, हमें भगवान के साथ रहना हमेशा, हम कृष्ण, मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, हम कहते हैं ना कि भाई सबके हृदय में भगवान है। तो ये अगर हम जान लेंगे कि भाई हमारे हृदय में भी भगवान है, ये हमें एक्चुअली रियलाइज करना चाहिए हमेशा, हालांकि हम नहीं करते हैं सब, हम क्लास के बाद सब भूल जाएंगे, बट स्टिल भगवान बोलते हैं कि आपको ये रियलाइज करना है कि कृष्ण के हम सानिध्य में रहते हैं। फिर कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश को मानना और उन्हें समझना, ये भी एक योग है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कृष्ण के आदेश को प्राप्त सारे आदेश को समझना। जैसे माधवेंद्रपुरी का भी मैंने आपको जस्ट बताया ना, माधवेंद्रपुरी कौन थे, तो माधवेंद्रपुरी का जैसे मैंने बताया कि गोवर्धन के समीप झाड़ियों में दबी हुई थी मूर्ति, और उन्होंने, भगवान ने उनको गोप के रूप में आए, समझाया और वो समझे और उनको, उन्होंने वो उधर से विग्रह को निकाला। अब उन्हीं विग्रह ने उनको बोला कि मैं इतने टाइम के लिए अंदर जमीन में रहा तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो वो भगवान के लिए चंदन लेने गए। तो मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि माधवेंद्रपुरी भी ना भगवान, मतलब कहते हैं ना वो भगवान से उनको कनेक्शन था। अगर हम यहाँ देखो, इसका मतलब है कि कृष्ण से सारे प्राप्त जो आदेश है उनको समझना, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी के एग्जाम्पल से हमें समझ रहे हैं कि उन्होंने भगवान के आदेश को समझा और वो पता है गोवर्धन से कहाँ पे गए, कहाँ मिलता है चंदन, उधर पुरी में गए थे, पुरी के वहां पे गए थे वो चंदन लेने। और ये उस टाइम पे ना प्लेन व्लेन कुछ नहीं था, पैदल चल के गए थे। तो भगवान के आदेशों को हमें समझना, ठीक है, ये भी एक योग की स्थिति है। इसी के एग्जाम्पल अब रघुनाथ गोस्वामी आप सब जानते हैं, 6 गोस्वामियों में से एक है, जो कि कहाँ रहते हैं, राधा कुंड के तट पे, जिनकी समाधि है ना। तो वो भी भगवान की कैसे समझे थे, जब वो खुदाई हो रही थी राधा कुंड की, तो कहते हैं वहां पे एक शिला में से खून निकला था। तो भगवान ने उनको सपने में आए और उनको प्रकट हुए और उनको बताया कि भाई जो तो खून निकला ये मेरी जीवा है।
तो उनको फिर वापस स्थापित किया था, उनकी जीवा का मंदिर बना था। आज भी वहां पे एक जीवा मंदिर है, गोवर्धन की आप जब परिक्रमा करते हैं तो वहां पे एक मंदिर है। तो ये मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल से कि भगवान कनेक्ट करते हैं और हमें उन चीजों को, जैसे आता तो सबके दिमाग में होगा, गुरु भी हमें रोज आदेश देते हैं करते हैं, पर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम अपनी ही क्या कहते हैं सुविधा के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करते हैं चीजें। नहीं बोला होगा ना, हमारे लिए नहीं बोला होगा, दूसरे के लिए बोला होगा, ठीक है। तो मतलब ये बोले कि भगवान की व्यवस्था को समझना, जो वो हमें बोलना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करना, है ना। तो ये भी एक योग की स्थिति है। फिर ऐसे कार्यों के परिमाण स्वरूप निश्चय आत्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। अगर हम ऐसे समझेंगे उस चीजों को तो फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। फिर है इसकी छठी अवस्था कि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना। तो ये क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, तो ये सब क्या है, योग के, इसका योग का ये सब छह अर्थ है, ठीक है। तो हमें ये समझना कि जो श्री कृष्ण है वो गुरु की ही आज्ञा के, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सॉरी गुरु जो है वो श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो जो कह रहे हैं वो हमें कृष्ण के आदेश के रूप में मानना चाहिए और हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अब जैसे सीता महारानी थी, तो उनका क्या हुआ था, भगवान ने उन्हें छोड़ा था सबके कहने पे, और वो जंगल में भी गए थे, सब कुछ वो ऐश्वर्य और वगैरह सब छोड़ के भगवान के साथ वन में गई, और वहां पे रावण ने क्या करा, उन्हें बहुत लोभ दिया। जब उन्हें हरण करके ले गए तो उन्हें बहुत सारे लोभ दिखाए कि मेरे पास ये सोने की लंका है, सब कुछ है, बट वो अट्रैक्ट नहीं हुई, है ना। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए कि हमारे सब स्थितियां आएगी, हमें बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे, बट हमें सीता माता की तरह हमें जजमेंट करने आना चाहिए कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी हो, हमें किसकी, हमारा मोटा, हमारे लक्ष्य है, हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, चाहे हमें कितने ही अलंकार में ही सब दिखाया जाए। अगर हम लंका की तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें श्री रामचंद्र के चरण नहीं मिलेंगे, और यही हमारा पेशेंस का टाइम आता है। सबके टाइम लाइफ में देखो दुख सब आते हैं, सब कुछ आता है, पर उस टाइम पे आप कितने समर्पित हो, कितना आपका क्या भाव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सीता मैया की तरह अगर हम भी ना थोड़ा पेशेंस टॉलरेंस के साथ रहेंगे, तो जैसे राम जी उनको छुड़ाने आए थे, तो ऐसे ही भगवान भी हमें इस भव सागर से छुड़ाने आएंगे, इतना ही हमें टॉलरेंस और पेशेंस होना चाहिए। तो जैसे हनुमान जी आए थे उनको छुड़ाने, तो ऐसे ही भगवान भी किसी गुरु को भेजते हैं जो कि हमें सीता मैया की तरह कष्टों से छुड़ा सके और हमारा संदेश भगवान तक पहुंचा सके, और भगवान हमें इस भवसागर से पार कराते हैं। तो ये हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अब आज के जो श्लोक का चौथा पार्ट खत्म हो गया, मतलब बुद्धि योग। चौथा पार्ट क्या था, बुद्धि योग। उसके बाद हम करेंगे बाकी के जो श्लोक है हमारे 54 से लेके 72, स्थिति प्रज्ञा, मतलब समाधि क्या होती। पहले तो भगवान ने ये बोला ना जैसे लास्ट वाले श्लोक में कि तुम समाधि में स्थिर रहो, अब भगवान नेक्स्ट अर्जुन जो है 54th श्लोक में पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान है उसके क्या लक्षण है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे करता है, क्या करता है, वो आगे क्वेश्चन पूछेंगे, अब भगवान उसके आंसर देंगे। उससे पहले जो भगवान ने फोर्थ वाले सेक्शन में बताया कि बुद्धि योग का यूज करो, और बुद्धि योग करने से क्या होता है, इसके क्या लाभ है, इसका क्या फल है, इसका क्या परिणाम है, इसको कैसे करते हैं, ये सब भगवान ने इसमें बताया, ठीक है। इन तीनों श्लोकों में या फोर्थ सेक्शन में आपको किसी को कोई प्रश्न है, कुछ डाउट्स है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, इसका मतलब मैं समझू ना सबको समझ आ गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे लेंगे, और फिर सेकंड श्लोक के जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सेकंड पार्ट का वापस हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि बुद्धि योग के क्या फायदे होते हैं, ठीक है। माता जी एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हम्म,
बहुत फनी क्वेश्चन है माता जी, पूछू हाँ या माता जी नहीं पूछिए ना प्लीज। जैसे माता जी आपने जैसे कहा, सब कहते हैं कि भाई केवल भगवान में अपन को बुद्धि लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे माता जी ग्रस्त में बहुत कई बार विचलित हो जाते हैं, ठीक है, तो जो भी कोई परेशानी आती है बुद्धि उधर चली जाती है, तो उसको वापस कैसे लाएं समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर माता जी। हाँ जब विचलित हो जाता है फिर काफी दिन तक मन बहुत विचलित रहता है माता जी, वो तो वापस रहेगा ही। स्थिर हाँ होता। तो वही तो, देखो माता जी एक्चुअली जो भगवद गीता है देखा जाए तो ये अर्जुन के लिए नहीं है, और वैसे देखा जाए तो पहली बात तो अर्जुन के लिए है, तो वो कौन थे, स्वयं ग्रस्त थे, और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो तो हम सोच ही नहीं सकते। अब जैसे मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें था कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारे वो प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो उसका आंसर बहुत अच्छा था कि प्रॉब्लम्स होगी पर प्रहलाद महाराज जितनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। प्रॉब्लम्स जो आज गोपियों को थी, जो विभीषण को थी, जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में वो भक्ति कर रहा था, तो प्रॉब्लम सब आएगी, सब कुछ होगा, पर भगवान ने इसलिए तो गीता का ज्ञान दिया, ये हम अर्जुन के लिए नहीं दिया, बेसिकली हमारे लिए दिया है कि हम जिस भी सिचुएशन में हो। माता जी मैं ये नहीं कह रही मेरे लाइफ में भी हर दिन हर सिचुएशन में मैं विचलित होती हूँ, आप लोगों को ज्ञान जितना मारती हूँ ना उसका 1% भी अपने आप में फॉलो नहीं करती मैं, मतलब अभी बोल रही हूँ बहुत गान मार रही हूँ पर कुछ भी फॉलो नहीं करती। बट ये कहते ना कि बोल बोल के क्या पता किसी दिन 1% भी उसका आ जाए, हम समझ पाए, तो एटलीस्ट ना भगवान कहते ना, जैसे इसमें भगवान ने बताया ना कि जो अपनी हेल्प करता है और चाहता है तो उसकी मैं हेल्प करता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें दे ही देते हैं, और थोड़े टाइम में वो सिचुएशंस भी हो ही जाती है पार। तो आसक्त तो ये सब तो हम होने ही है, सब कुछ होता है, बट हाँ इसलिए तो हम कहते हैं ना कि नित्यम भागवत सेव्या, नित्य एसोसिएशन करो, ABCDE रोज ही फॉलो करना है आपको। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन हम करते हैं तो वही हमें इन सब चीजों से पार करा सकते हैं। हमारी तो कहते हैं ना कि चैंटिंग करने की बिल्कुल भी है ही नहीं ताकत, कुछ भी नहीं है, तो हम ये किसके भरोसे कर रहे हैं, सिर्फ कृपा के भरोसे कर रहे हैं। तो ये जो वैष्णव एसोसिएशन से क्या मिलती है, हमें लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, कृपा मिलती है, आज महाराज जी और ये सब वैष्णव हमें देख भी लेते हैं, तो जो थोड़े से जो हम पाप तो हम हर क्षण ही कर रहे हैं, बट स्टिल प्रवृत्ति तो हमारी जाने वाली है, पाप करने की वो जो प्रवृत्ति वो तो हमारी नहीं जाएगी, बट जो कर रहे हैं तो इन लोगों के संग से ही थोड़ा सा हम कम करने लग जाएंगे, मे बी उसको हम समझने लग जाएंगे, एटलीस्ट हम रियलाइज करने लग जाएंगे कि अच्छा हाँ ये पाप तो हमने किया, अदरवाइज पाप करके भी उसे रियलाइज नहीं करना वो भी एक गलती हो जाती है, तो एटलीस्ट हम इन लोगों के एसोसिएशन से ये समझ पाते हैं कि हाँ हमने ये पाप तो किया। तो इसलिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए कहते हैं ना नित्यम भागवत सेवा, क्यों? क्योंकि जब हम इन सबके रियलाइजेशन पढ़ते हैं, और इतने बड़े बड़े जो ये भक्त थे इन लोगों ने कैसे सिचुएशन को फेस किया, तो इसलिए हमें पढ़ते हैं तो हम इसे सब रियलाइज कर पाते हैं। और चैंटिंग कहते हैं ना भगवान की, हर भगवान प्रभुपाद ने भी लिखा है ना, सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी, तो चैंटिंग करने से भी हम हैप्पी हो जाते हैं। डीटी वर्शिप्स दैट जो हमारा प्रसाद है ये सब ग्रहण करना, प्रसाद में इतनी शक्ति, जगन्नाथ जी ने उसमें इतनी कृपा कर रखी है, तो होगा सब कुछ। बट कहते हैं ना साथ साथ में मैं आपको एक मैसेज भेजूंगी आज, तो ये है, ये विटामिन ए से ही होता है, विटामिन बी से ही होता है, तो ये सब विटामिन बी विटामिन सी है हमारे लिए, होता सब कुछ है, बट ये विटामिन साथ साथ बीमारी तो हमारी है अंदर जो तो है, पर ये विटामिन लेने से हम में थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस फार्म में भी आ जाए, या हम उन चीजों को थोड़ा सा समझ पाए, ये जरूर हो जाता है। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हो ना माता जी, मैं तो हर सेकंड उस सिचुएशन में हूँ, मैं इतनी ज्यादा आसक्त और इतनी ज्यादा सब कुछ, मेरे में 6 तरह के दोष भरे पड़े हैं, बट फिर भी ये सब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन या मे बी कुछ आता है, मे बी मैं एम नॉट द राइट पर्सन आपको ये आंसर दे पाऊँ, बट मैंने जो पर्सनली रियलाइज कर रही हूँ और जो सोच पा रही हूँ यही सोच के आपको थोड़ा बहुत बताया हूँ, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। है ना? हरे कृष्णा। ठीक है, वांछा कल्प धरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब देखो माता जी श्लोक में कितना है कि जो वैष्णव होते हैं वो कल्प तरु के समान होते हैं, हमारी जो छोटी से छोटी इच्छाओं को भी वो पूरा कर देते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं उन सबको छीन लेते हैं। कहते राधा रानी है ना कि चरण हम नहीं पा सकते, पर इन गुरु की शरण और इन सब हम ले लेते हैं, तो हम राधा रानी की शरण लेते हैं, और वो हमें इन सब चीजों से, हम उन्हीं से प्रेयर कर सकते हैं कि आप ही हमें इन चीजों से निकालो।
है ना, ठीक है, चलो हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी।